हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर हमने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है लेकिन वो अभी तक हमें मिली नहीं है, इसका क्या कारण है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन आपको कितने दिन के अंदर मिल जानी चाहिए और यदि नहीं मिली है तो आपको क्या करना है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, सीजीएसटी रूल्स के अंतर्गत रूल 9 दिया गया है जो कि यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। यदि वह ऑर्डर में है यानी कि सभी पर्टिकुलर ओके हैं तो उस केस में वह उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा 3 वर्किंग डेज़ के अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 वर्किंग डेज़ यूज़ किया गया है क्योंकि यदि हॉलीडेज आता है जैसे कि संडे तो यहाँ पे शामिल नहीं होगा। फ्रेंड्स, यदि एप्लीकेशन जो सबमिट की गई है वो डेफिशिएंट है यानी कि उसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है जो कि लगाना चाहिए था तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, लेकिन यह क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए जीएसटी ऑफिसर को नोटिस इशू करना होगा फॉर्म GST-03 फॉर्मेट में। यह नोटिस 3 वर्किंग डेज़ के अंदर इशू किया जाता है जैसे ही व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देता है, और उसके बाद टैक्स पेयर को जिसने कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उसे इसका रिप्लाई देना है नोटिस का। इसके लिए उसके पास 7 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है जैसे ही उसे यह नोटिस रिसीव हो जाता है। फ्रेंड, जो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मांगी जा सकती है उसमें जीएसटी ऑफिसर यह भी कह सकता है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को मॉडिफाई करें या करेक्ट करें, लेकिन जो भी पैन नंबर आपने दिया है या स्टेट सेलेक्ट किया है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो पार्ट ए में दिया गया है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, उसके बाद टैक्स पेयर अपनी क्लैरिफिकेशन देता है और इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, जिसके बाद के जीएसटी ऑफिसर इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकता है। इसके लिए उसके पास 7 वर्किंग डेज का टाइम होता है। जैसे ही व्यक्ति अपनी क्लैरिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है, लेकिन यदि व्यक्ति कोई रिप्लाई सबमिट नहीं करता है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर इसे रिकॉर्ड करता है और उसके बाद वह इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है। इसके लिए वह ऑर्डर पास करता है RE-05 फॉर्मेट में। फ्रेंड्स, यदि प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है 3 वर्किंग डेज़ के अंदर जैसे ही रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट की गई है या फिर यदि उसने नोटिस इशू कर दिया है और टैक्स पेयर ने रिप्लाई फाइल कर दिया है उसके 7 वर्किंग डेज़ के अंदर वह कोई एक्शन नहीं लेता है तो उस केस में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती है और GSTN नंबर अलॉट कर दिया जाता है GST पोर्टल के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स को भी रेफ़र करना है जो कि 3 अप्रैल 2020 को इशू की गई थी, जिसमें कि COVID-19 पेंडेमिक की वजह से एक्शन लेने के लिए जीएसटी ऑफिसर के लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई थी और टैक्स पेयर के लिए भी कुछ टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया था। यानी कि कोई भी टाइम लिमिट कॉम्प्लायंस करने के लिए यदि 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आ रही है तो उस केस में टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया था 30 जून 2020 तक। यानी कि यदि जीएसटी ऑफिसर को कोई प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है या कोई ऑर्डर पास करना है या कोई नोटिस इशू करना है या कोई नोटिफिकेशन या सेंक्शन या अप्रूवल तो उस केस में इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया था। यदि यह एक्शन जीएसटी ऑफिसर को 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में लेना था तो वह 30 जून 2020 तक ले सकता है। इसी प्रकार टैक्स पेयर के लिए अपील फाइल करने के लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई थी या फिर कोई भी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट या कोई भी और रिकॉर्ड सबमिट करना है यदि जीएसटी ऑफिसर को इस पीरियड के बीच में 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तो उस केस में भी लास्ट डेट 30 जून 2020 की गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जब आप इस नोटिफिकेशन को रेफ़र करते हैं तो इसमें बताया गया है कि एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होगी सेक्शन 25 के लिए। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 25 देखते हैं क्या है।
फ्रेंड्स, सेक्शन 25 सी जीएसटी एक्ट का यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाता है तो उसके इसमें से 30 डेज के अंदर अप्लाई करना है जैसे ही वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाता है। और यदि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसके इसमें से बिजनेस कमेंस करने से 5 दिन पहले जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। इस प्रकार फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी व्यक्ति की सर्विसेज से टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो उसे 30 डेज के अंदर अप्लाई करना है। वह ये नहीं कह सकता कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो कंप्लायंस यानी कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन 30th जून के बाद करेगा, उसके लिए यह लिमिट एक्सटेंड नहीं की गई है। तो उसे टाइमली अप्लाई करना है 30 डेज के अंदर, और जो भी व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा उसे सिंगल रजिस्ट्रेशन दी जाएगी स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में। लेकिन यदि उसके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस हैं स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में तो वो हर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। फ्रेंड्स, इसी सेक्शन में जब आप नीचे जाते हैं तो सब सेक्शन 10 दिया गया है जो कि बताता है कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को अप्रूव किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। इसके लिए जो रूल है वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। इसके लिए हमने रूल 9 को डिस्कस किया कि कितने टाइम के अंदर जीएसटी ऑफिसर को जीएसटी की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को अप्रूव करना है या फिर यदि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो नोटिस इशू करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उस डेट से इफेक्टिव होगा जो कि रूल में प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके लिए रूल 10 दिया गया है और सब सेक्शन 12 सेक्शन 25 का ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन डीम टू बी ग्रांटेड मानी जाएगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो रूल 9 में पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है 3 वर्किंग डेज का, यदि जीएसटी ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है या फिर कोई डेफिशिएंसी कम्युनिकेट नहीं करता है 3 वर्किंग डेज के अंदर तो उस केस में व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव हुआ माना जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर भी अभी ये प्ली नहीं ले सकता कि नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 के द्वारा उसके लिए एक्शन लेने का टाइम एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि सेक्शन 25 जो है उस नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड किया गया है। इस प्रकार जो रूल 9 है वो सेक्शन 25 के अंतर्गत ही आएगा और जीएसटी ऑफिसर को 3 वर्किंग डेज के अंदर ही एक्शन लेना है या फिर डिस्क्रिपेंसी के लिए नोटिस इशू करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड, जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जाता है जीएसटी पोर्टल पर तो आपको REG01 फाइल करना होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। सबसे पहले आप पार्ट 1 फिल करते हैं जीएसटी पोर्टल पर, जहाँ पे कि आप परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हैं और स्टेट बताते हैं जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर, यानी कि gst.gov.in। फ्रेंड्स, पैन को वैलिडेट किया जाता है ऑनलाइन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स के डेटाबेस के साथ, और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को वैलिडेट किया जाता है 1-time पासवर्ड के द्वारा। और उसके बाद टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाता है और व्यक्ति के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर कम्युनिकेट किया जाता है। इस टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर के द्वारा एप्लीकेंट पार्ट बी को फाइल करता है, जिसमें के स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट कॉमन पोर्टल पर उसे फाइल करने होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए तो एक्नॉलेजमेंट इशू की जाती है। फ्रेंड्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर दिया जाता है ताकि वह एडवांस में डिपॉजिट कर सके टैक्स को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और उसके बाद ही एक्नॉलेजमेंट इशू की जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन को जीएसटी ऑफिसर को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और उसके बाद जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद जीएसटी ऑफिसर के द्वारा एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया जाता है। यदि डॉक्यूमेंट ऑर्डर में है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है GST REG 06 फॉर्मेट में। लेकिन यदि डॉक्यूमेंट ऑर्डर में नहीं है तो जीएसटी ऑफिसर नोटिस इशू करता है इलेक्ट्रॉनिकली और 3 वर्किंग डेज के अंदर वह यह नोटिस इशू करता है और क्लेरिफिकेशन मांगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्लेरिफिकेशन मांगी जाती हैं उसमें वह कह सकता है कि एप्लीकेशन को मॉडिफाई किया जाए या फिर करेक्ट किया जाए। फ्रेंड्स, जैसे ही एप्लीकेंट क्लेरिफिकेशन सबमिट कर देता है 7 वर्किंग डेज के अंदर जैसे नोटिस रिसीव होता है, तो उसके बाद जीएसटी ऑफिसर यह चेक करता है कि क्या जो रिप्लाई दिया गया है वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो उस केस में 7 वर्किंग डेज के अंदर जैसे ही यह
नोटिस रिप्लाई किया जाता है, जीएसटी ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो वह जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। लेकिन यदि जीएसटी ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो वह जीएसटी की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। फ्रेंड्स, यदि रिप्लाई सबमिट नहीं किया जाता है, जीएसटी ऑफिसर ने जो नोटिस इशू किया है, तो उस केस में भी जीएसटी ऑफिसर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, इसके लिए वह रिजेक्शन ऑर्डर पास करता है। लेकिन यदि जीएसटी ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है, 3 वर्किंग डेज के अंदर जैसे ही व्यक्ति एप्लीकेशन सबमिट कर देगा या फिर 7 वर्किंग डेज के अंदर जैसे ही व्यक्ति क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो उस केस में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव हुई मानी जाती है। फ्रेंड, जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल की गई थी, यदि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में टैक्स पेयर अपील फाइल कर सकता है। इसके लिए उसके पास 3 महीने का टाइम होता है जैसे ही रिजेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है, और हियरिंग को कंप्लीट करने के बाद एपिलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास कर सकती है और आपकी रजिस्ट्रेशन को दोबारा से रिस्टोर कर सकती है। यह ऑर्डर आपको प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट करना है, जिसके बाद के प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को दोबारा से रिस्टोर कर देगा और रजिस्ट्रेशन इशू करेगा। फ्रेंड्स, यदि आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उस केस में आप अपील फाइल कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सब्सिडी टैब में जाना है, यूज़र सब्सिडी में जाना है और माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जिसके बाद कि आप यहाँ पे अपील टू अपीलेट अथॉरिटी की ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद APL 0 फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप में रजिस्ट्रेशन ऑर्डर ओपन करना है और ऑर्डर का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आप ये अपील फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप केसेस अंडर डिस्प्यूट सेलेक्ट करेंगे और ये अपील ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxileather@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CA Satbir Singh की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CA Satbir Singh चैनल की मेंबरशिप ली है, उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।